हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरे हस्बैंड के बर्थडे का व्लॉग है जो अब मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज अपलोड कर रही हूँ। हेलो जी, राम राम, वेलकम टू प्रीति सांगवान लाइफस्टाइल। और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है मुकुल के पापा का बर्थडे, तो इनके बर्थडे में सिर्फ 3 दिन का ही गैप है, तो मैं उनको अभी अब उठे हैं, बस सुबह उठे ही हैं अभी, तो उनको विश कर देती हूँ। एक बार वैसे मैंने रात को कर दिया था, तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। क्या पार्टी दे रहे हो फिर? आपने विश कर दिया मुकुल पापा को? हाँ, मैंने तो उठते ही विश कर दिया था। उठते ही विश कर दिया था, इसको खराब मत कर देना। तो गाइज, मैंने यहाँ कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत ज्यादा कपड़े हो रखे थे। गाइज, जब तक मशीन के राउंड लगेंगे तो मैंने सोचा अंदर कुछ काम कर लेती हूँ। तो अंदर घी निकालना था मुझे, तो मैंने सोचा अंदर तब तक जाके मैं घी निकाल देती हूँ, रई लगा देती हूँ। तो आगे आप देख ही सकते हो। रई लगा दी है और मक्खन निकालना है, बर्फ डालूंगी इसके अंदर। कई बार ऐसा हो जाता है कि तो गाइज, मैं यहाँ पर घी निकालते निकालते मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी का फोन आया हुआ था, तो नेक बैंड लगा रखा है, तो साथ ही साथ दोनों काम हो जाएंगे, घी निकल जाएगा और बात भी हो जाएगी। गाइज, अब मैं कपड़े धोने के लिए बाहर आ गई हूँ। राउंड पूरे लग चुके थे इनके, तो मैंने सोचा अब इन्हीं को निपटा देती हूँ पहले, बाकी काम बाद में करेंगे। देखो भाई, कितना पानी, इसमें से कितना कलर निकल गया सूट में से, देखो बिल्कुल लाल पानी।
चावल, क्योंकि संडे वाले दिन नमकीन चावल ही बनाते हैं, तो काम भी ज्यादा हो जाते हैं कपड़े वगैरह धोने और ये सब कुछ, और मुकुल की डिमांड भी होती है क्योंकि डेली तो उसको लंच लेके जाना होता है स्कूल में, तो इसीलिए वो चावल अलाउड नहीं है स्कूल में, तो लंच रेडी करके भेजना पड़ता है रोटी सब्जी। तो आज मैंने सोचा कि आज नहीं, हर संडे का यही रूटीन है, तो मैं नमकीन चावल बना देती हूँ उसके लिए, उसको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, देखो आपको नया जुड़वाना था ना मुझे, तो मैं मतलब ये लगा लो कि आपका खर्चा बच गया, तो वही गिफ्ट है ना, तो ये आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, जो मेरे को रेडमी का फोन मिला है। ठीक, क्यों ठीक कह रही हूँ ना मैं, आप सब बताओ। अच्छा, इनका खर्चा बच गया तो वही गिफ्ट है ना इनके लिए, या मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए इनको, कमेंट करके जरूर बताना। गरम मसाले वगैरह होते हैं वो और कुछ नहीं डालते, हाँ कड़ी वगैरह होती है तो मैं कड़ी पत्ता वगैरह डाल देती हूँ, और आप देख ही सकते हो कि बस ये पक रहा है, तो थोड़ा सा जब ये तेल छोड़ने लगेगा, घी छोड़ने लगेगा ना, देसी घी में ही बनाती हूँ मैं हमेशा चावल, तो जब ये तेल बनाती हूँ मैं सब्जी, जो सूखी सब्जियां होती हैं वो बड़ी टेस्टी बनती हैं करारी करारी तेल में, और इसमें ये जब घी छोड़ने लगेगा तो फिर मैं चावल डालूंगी। चावलों को मैंने पहले से ही धो के रख रखा है, और मैंने होम साइंस का कोर्स भी कर रखा है, मेरे को डिशेज भी आती है बहुत अच्छी अच्छी बनानी। तो अब मैंने ये लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिए हैं, तो आई थिंक एक या दो सीटी में ये बन जाएंगे भाप, फिर उसके बाद मैं बंद ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बंद रखती हूँ उनको भाप में पकने के लिए, तो खिले खिले से सुंदर से बनते हैं टेस्टी से, तो दिखाती हूँ मैं जब आपको बन जाएंगे। अच्छा, पक्के रेडी हो चुके हैं, और भूख बहुत जोरों से लगी हुई है, बिल्कुल ये भी काफी बार मान ली है, ये देखो आप देख सकते हो चावल बिल्कुल खिले खिले और बहुत सुंदर बनते हैं, तो मैं इनको डाल के दे देती हूँ, एक बार हम चावल खा लेते हैं, खाना खा लें फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोग। हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हो मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी, वो उधर काम करवा रहे हैं मुकुल का, और मुकुल का काम होने के बाद शाम को हम करेंगे इनका भी थोड़ा बर्थडे का सेलिब्रेशन, वैसे इनके बर्थडे पे हम ज्यादा कुछ नहीं करते, छोटा सा केक लेके आते हैं बस, और उस छोटे से केक को कट करके थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि मुकुल के बर्थडे पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से और एक्साइटमेंट भी मुकुल के बर्थडे पे ज्यादा होती है, इनका साथ के साथ आ जाता है, बिल्कुल 3 दिन का गैप है, मुकुल का है 15 सितंबर का और इनका है 18 सितंबर का, तो मतलब 3 दिन का ही गैप है इनके बर्थडे में, और मैंने टेलर को अपना सूट भी सिलना दे रखा था स्पेशल इनके बर्थडे पे पहनने के लिए, बट मेरे को याद नहीं रहा कि संडे होगा उस दिन 18 का, आज तो शॉप बंद होगी तो मैं वो सूट ला नहीं सकती, नया सूट था ये, था कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी, ब्लैक कलर का सूट लेके आई थी मैं स्पेशल इनके बर्थडे पे डालने के लिए, कोई बात नहीं फिर किसी डांस वीडियो में या रील्स में आप लोगों को दिख जाएगा, आप जब भी अब मैं ब्लैक कलर का सूट डालूंगी तो ये समझ जाना कि ये वही सूट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। फिर मिलते हैं शाम को जब इनका बर्थडे का केक कट करेंगे, स्टे ट्यून। अब
हम एक एक कप चाय पिए कि मेरे को थोड़ा बैक पेन हो रखा है, सुबह से काम ज्यादा था तो इसीलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूं। और वो तो खैर मना करेंगे ही नहीं क्योंकि उनको तो चाय पीने का बहुत शौक है। वो अगर नहीं पी पाते हैं तो इस वजह से नहीं पी पाते क्योंकि सुबह 7 बजे वो घर से निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो उस टाइम पे वो नाश्ता करके जाते हैं, इस वजह से वो चाय साथ में लेते हैं क्योंकि लस्सी और मक्खन के साथ रोटी खाते हैं तो इस वजह से चाय नहीं हो पाती उनकी, लेकिन संडे वाले दिन हमारी जरूर हो जाती है। और अब तो उन्होंने भी खैर कम कर रखी है, स्कूल में भी जाते हैं तो वहां पे भी कम ही लेते हैं, तो अब थोड़ा सा मैं बना लूं चाय। अब हम लेने जा रहे हैं केक। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने कल मॉल से अपने लिए ये सैंडल लिए थे और तो कुछ पसंद आया नहीं तो, और ये भी इसलिए लिए थे मेरे पेन स्टार्ट हो गया था हील्स जो मैंने पहनी हुई थी उनमें, और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे। ये देखो लाइट वेट है और डेली यूज में कैजुअल मैंने ये सैंडल लिए थे, तो कैसे लगे आप लोगों को ये भी बताना। अभी जा रहे हैं हम लोग केक लेने के लिए तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलो सुंदर है ना, अब कहाँ चलना है? होम स्वीट होम। हाँ जी होम जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं मुकुल बता, पापा से पूछो कहाँ पार्टी दे रहे हैं हमें। कहाँ पे पार्टी दोगे जी? क्या खिला रहे हो? अरे केक भी वहीं पे काटेंगे, वहाँ पे काटेंगे। बताओ पार्टी कहाँ जा रही है? हाँ, उमराव में हमेशा। ये देखिए हमेशा घर ही पार्टी देते हैं। सीता खिलाया आपने, मतलब हमें सिर्फ दाल दाल खिला के आपने सारा टूर निकाल दिया। ये बताओ अब आप क्या खिला रहे हो? यार लट्टू चूर मुजुर दाल वाले खिला के आपने सारा वो टूर निकाल दिया। हाँ और ये ना बस सिर्फ घर घर में पार्टी देते हैं, ये नहीं कि कहीं पे बाहर कहीं लंगर में टूर निकल गया कहीं ना। हाँ बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल। घर पे केक कट कर लेते हैं, ठीक है ओके, लेकिन पार्टी तो देनी पड़ेगी। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, केक कट करेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद पापा हमें पार्टी देंगे। कहाँ देंगे? हाँ तो वो हमें पता नहीं। हाँ। पापा ही देंगे, कहाँ पे देंगे। हाँ, लेकिन हम पार्टी जरूर लेंगे। हाँ पार्टी है रे तुम्हारी तरफ से, तेरी तरफ से। ये ड्रोन उड़ा के दिखा रहे हैं आपको जो मुकुल का गिफ्ट आया है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है उड़ता हुआ, और ये काफी ऊपर तक जा सकता है, लेकिन मैं इनको उड़ाने नहीं दे रही क्योंकि साइड में प्लॉट खाली है और वहां पे गिर जाएगा,
बस बस अपनी तरफ ले जाओ ना, अब मुकुल को उड़ाने दो थोड़ा सा। हाँ जी, अब करते हैं हम इनके बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो आप सब यूट्यूब फैमिली भी इसका हिस्सा ही हो, तो हम आप सब लोगों के साथ ही बर्थडे का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो चलिए फिर केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे लग रहा है, ऊपर दिखता तो है नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आज मजा आ गया खाने का। लो आपको मिठाई। तो आप सब लोग भी देखो इनके लिए दुआ करें कि इनकी उम्र बहुत लंबी हो, क्योंकि मेरे पति देव जी है, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हाँ जी, अब हम व्लॉग का एंड करते हैं। तो हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से यही बोलूंगी कि आप प्लीज चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो और ढेर सारा सपोर्ट करो, और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहो। थैंक यू।